गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट क्लास इट्स लाइक मिस्टर टोल्ड लिटिल व्हाट इज आई जस्ट टोल्ड यू दैट लेबरनम टॉप एंड लैंडस्केप ऑफ स्टॉल दिस चैप्टर्स आर ओमिटेड। इट्स द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट आई गेव यू। एक्चुअली आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई सॉ फ्रॉम गूगल समवेयर आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। The laburnum top and landscape of the soul is there in your syllabus. So today that's why I'm going to take the poem laburnum top. Once again, I would like to repeat, I already sent you the deleted portions. The laburnum top is there in your syllabus. So today I'm going to take you the poem laburnum top by Ted Hughes. So poet ka naam hai Ted Hughes. You should remember the poet's name is very important. Laburnum top by Ted Hughes. Sorry. You know what is a laburnum? It's a tree with yellow flowers. Yellow flower matlab normal mein aisa nahi, yellow flowers wo aise latakte hain, wo flowers long flowers latakte hain. You can see in a Google or somewhere. So if as you all know, the mother of any house is the main पार्ट ऑफ दैट हाउस इंजिन। एक घर का इंजिन जैसा है, घर का इंजिन स्टार्ट होना तो मदर घर पे होना जरूरी है। तो इन दिस पोएम देयर इज अ ट्री लैबर्नम विच इज वेरी साइलेंट। सेप्टेम्बर का टाइम है, येलो फ्लावर्स और ट्रीज का जो पत्ते सब येलो कलर का है और बहुत साइलेंट है वो ट्री, बिकॉज उस ट्री पे एक नेस्ट है, एक गोल्ड फिंच नाम का एक बर्ड का नेस्ट है जिसमें नेस्टलिंग्स मतलब छोटे छोटे चिड़िया इनके बच्चे हैं। और व्हाट हैपन मींस दैट बर्ड इज नॉट इन द नेस्ट, इसीलिए वो ट्री साइलेंट है। वो चिड़िया बार बार कहीं जाते हैं इन पर बच्चे के लिए कुछ खाना ढूंढने के लिए। और जब तक वो चिड़िया दैट इज द मदर ऑफ दैट हाउस दैट इज द मेन इंजिन ऑफ द हाउस जब तक वो नहीं आता, वो घर या वो पेड़ साइलेंट रहता है जस्ट लाइक डेड, ऐसे मरा हुआ चीज जैसा स्टिल रहता है। बट जब वो चिड़िया आते हैं उस इंजन स्टार्ट होता है, उस घर में जान आ जाते हैं, बच्चे च्यू च्यू करके जोर जोर से चिल्लाते हैं और ये चिड़िया उनको सबको खाना खिलाते हैं और कुछ क्षण खाना खिलाने के बाद वो फिर उड़ के चले जाते हैं और खाना ढूंढने के लिए। और जब वो ट्री पे होते हैं, उस नेस्ट के पास होते हैं, तो ट्री को जान आ जाते हैं, उस नेस्ट को जान आ जाते हैं, ट्री रूपी इंजन स्टार्ट हो जाता है। और जब वो चले जाते हैं वो ट्री वापस साइलेंट हो जाते हैं और जाते जाते इसका मैसेज ही है द मदर इज द इंजन ऑफ एनी हाउस। सो लेट्स सी द लैबर्नम टॉप। द लैबर्नम टॉप दैट इज ट्री इज साइलेंट। ऑटम का सीजन है, क्वाइट स्टिल डेथ जैसा वेरी साइलेंट है। इन द आफ्टरनून येलो और आफ्टरनून कलर है, सूरज का धूप की जैसी येलो कलर है और उसका फ्लावर्स भी येलो कलर का है। सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग और कुछ फ्लावर्स सॉरी लीव्स भी येलोइंग है। ऑल टुगेदर ट्री को देखेगा तो येलो फ्लावर्स एंड येलो लीव्स। ऑल इज सीड्स फॉलन और उसका जितना भी सीड्स है वो भी गिर गया। तो दैट इज द लैबर्नम ट्री का कंडीशन टिल द मदर रीचेस से, तब तक वो एक डेड ट्री जैसा नथिंग नो साउंड एट ऑल वारी शांत तक है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स और एक छोटा सा येलो कलर का चिड़िया है, गोल्ड फिंच इधर काला कलर है और येलो कलर का चिड़िया है। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग मतलब एक ट्रम्बलिंग क्यूरिंग चिरप, चिरप के साथ आवाज के साथ सडननेस एक अचानक से एक स्टार्टलमेंट ब्रांच एकदम से हिल जाते अटे ब्रांचन एक ब्रांचन के ब्रांच के सॉरी ब्रांच के एंड पे एकदम से आ जाते वो और वो ब्रांच एकदम से हिल जाते हैं। देन वो ब्रांच के एंड में आके फिर इधर उधर देखते हैं। देन स्लीक एज अ लिजार्ड स्मूथ जैसे लिजार्ड चलते हैं, फाइनली देखते हैं कि कहीं इधर उधर एनिमी को कुछ नहीं है, वो चुपचाप निकलते इधर से ब्रांच के अंदर से। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सडनली एब्रप्ट
इसी अंदर से थिकनेस, इसी फ्लावर का अंदर घुस जाते हैं, वो थिकनेस के अंदर घुस जाते हैं एंड ए मशीन स्टार्ट अप, और वो कुछ पत्ता और फ्लावर के बीच के अंदर के जगह पर उन्होंने अपना नेस्टिंग बनाया है। वो खुले जगह पर नहीं बनाएगा नेस्टिंग, क्योंकि कोई एनिमी स्नेक हो, कोई बर्ड कुछ देखे नहीं, इसीलिए वो किसी कुछ चीजों के बीच में जल बनाते हैं वो नेस्टिंग, तो अंदर घुस जाते हैं उसका पत्तों के बीच में, तो उनको देखते ही वो सारे जो चिड़िया के बच्चे हैं सब चिल्ला उठते हैं। एंड ए मशीन स्टार्ट अप, एक मशीन स्टार्ट हो जाता है, ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मतलब साउंड, चिल्ला करना बच्चों का वो साउंड, फिर ट्रमर ऑफ विंग्स और विंग्स खिलाने का आवाज बच्चों का, एंड ट्रिलिंग वो चिरपिंग साउंड, चिड़िया का चिचू 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 करके वो आवाज, द होल ट्री ट्रम्पल एंड ट्री, पूरा ट्री मानो ट्री में जान आ गया, पूरा ट्री हिलते है, थ्रिल करता है, पूरा थ्रिलिंग हो जाते है, आवाज आते है ट्री से, इट इज एंजिन ऑफ अ फैमिली, उनका फैमिली का इंजिन है वो चिड़िया। वो मदर नेस्ट पे आते हैं तो उस घर का इंजिन स्टार्ट होता है, सो शी इज कंसिडर्ड एज इंजिन ऑफ अ फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, शी उस फैमिली को पूरी तरह एनर्जी देते है, तो करना मतलब उनको पूरी तरह उत्तेजित करते है, एनर्जी देते है खाना खिला के, देन फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट मतलब पंख को ऐसे फैलाते हैं आउट टू ए ब्रांच एंड, और ब्रांच एंड की तरफ चला जाते हैं, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मार्क, और उसका चेहरा ऐसे मानो जिसको जो करण उसके चेहरे पे एक मास्क पहना ऐसे लगता है, द लैबरम ट्री हैज फ्लावर दैट फॉल लाइक बास एंड व्हेन द बर्ड सिट्स बिहाइंड द फ्लावर्स, जब वो फ्लावर के पीछे बैठते हैं, द शेडो ऑन हर फेस, जो शेडो आप उनके चेहरे पे जो फ्लावर के पीछे वो बैठते हैं तो जो शेड उसके चेहरे पे पड़ता है, लुक्स लाइक शी इज वेयरिंग ए मास्क, ऐसा लगता है कि वो मास्क पहना है। वो चिड़िया ना खुले जगह पे बैठना नहीं चाहता है, नहीं चाहेगा इसीलिए, तो चुपके बैठते हैं, फ्लावर के पीछे बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनको मास्क पहना है। देन विद ईरी, ईरी मतलब स्ट्रेंज डेलिकेट विसिल, और डेलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग, वो अपने चिड़ियों के बच्चों से कुछ कुछ बोल के, ध्यान देना एनिमी आएगा घोंसले से बाहर मत आना, इस तरह का कुछ कुछ बातें करके डेलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग अपने बच्चे को कुछ आदेश निर्देश देते हैं, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इंसेंस, फिर वो बोलते बच्चों माँ जा रहे हैं, अभी जाके तुम्हारे लिए और खाना लाता हूँ, तब तक साइलेंट रहना, शैतानी मत करना, इधर उधर मत जाना, घोंसले के अंदर रहना, इस तरह का एडवाइस देके, जिस तरह मम्मी आपके घर से बाहर जाते तो आपको किस तरह एडवाइस देते हो, उस तरह उस बच्चों को एडवाइस देकर वो फिर इन्फिनिट मतलब खुले आसमान की तरह उड़ जाते हैं। एंड द लैबरलम सबसाइड्स एम्प्टी, और ये लैबरलम एंट्री फिर साइलेंट हो जाते हैं, दैट्स द पोएम। सो दिस पोएम रिवॉल्व्स अराउंड ए लैबरलम ट्री एंड ए गोल्डफिंच बर्ड, एक लैबरलम ट्री और गोल्डफिंच के से, जैसे मैंने बोला गोल्डफिंच बर्ड आने तक वो ट्री बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, एंड व्हेन दैट मदर कम्स दैट हाउ टू द हाउस ऑफ दैट नेस्ट, वो ट्री में और उस नेस्ट में जान आ जाते हैं, जैसे कि एक इंजिन स्टार्ट किया गया, और इंजिन स्टार्ट करने फिर मदर उनको सबको खाना खिलाते हैं, उनको उस चिड़ियों को और एनर्जेटिक बना देते हैं, फिर वो अपना पंख उधर मतलब फैलाते हुए उधर से चला जाते हैं, और वो लैबरलम ट्री वापस साइलेंट हो जाते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ द पोएम माय डियर स्टूडेंट्स, रीड इट प्रॉपरली, अंडरस्टैंड ईच लाइन, इफ यू हैव एनी डाउट यू आर वेलकम, एंड नाउ आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ बोथ द पोएम, दिस वन एंड द वॉइस ऑफ द रिंग, कंप्लीट इट एंड सेंड टू मी, एंड हैव यू, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।